क्रिश्चियंस ऐसी लीडर से मुलाकात। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय श्री विजय लक्ष्मी सिल्क श्रीनगर बिदर, कैमरन इंडिपेंडेंट कॉलेज ऑफ साइंस, कैफे जूस जंकी, जैस्मिन पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के कंस्ट्रक्शंस, होप क्लिनिक। अल्हम्दुलिल्लाह बिदर शरीफ में बल्दिया के जो इलेक्शंस 27 अप्रैल तो उसी के काम का जायज़ा लेने के लिए मैं आज बिदर शरीफ आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर के ऊपर क्रिश्चियंस ऐसी लीडर से मुलाकात कर रहे हैं कि सदर मोहतरम का हिदायत है कि गुज़श्ता एक महीना पहले जहाँ पर एक जलसा जो रॉयल पैलेस में 26 जनवरी के एक जलसा मुनक़िद हुआ था, उसके अंदर ख़ास तौर पर सदर मोहतरम का एक मैसेज था और वो मैसेज ये है कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा दलितों के साथ और एस टीज़ के साथ क्रिश्चियंस के साथ सिख कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन होना चाहिए। रिजर्वेशन इस तरीके का आया है कि बहुत सारी सीट जो माइनॉरिटी हलकों में जहाँ पर 80-90% आबादी है माइनॉरिटी की, मुस्लिम माइनॉरिटी की, इसके बावजूद भी रिजर्वेशन में एससीज़ वगैरह के तो इसलिए कि हम आज मेरा बिदर आने का ख़ास मकसद ये है कि किस तरीके से तैयारी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन है यहाँ बिदर की कमेटी से कि यहाँ पर 20 से ज़्यादा फॉर्म्स लोग लिए हैं, कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हर हलके के अंदर हमको 3 से 4-5 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो और भी ज़्यादा होगा। और 2-3 दिन के अंदर एक सारे जितने माइनॉरिटी दलित पूरे लोग से सियासी बातचीत चल रही है कि एक अच्छा यहाँ पर ना भाई एक वो लोग के साथ मिलकर एक अच्छा था एक कोऑर्डिनेशन करें। अल्लाह चाहे तो ना भाई अगर ये 2-3 दिन के अंदर हो जाता है तो बहुत उम्मीद है मेरे को कि बिदर से ज़्यादा सीट हम ना भाई यहाँ से जीत के लाएंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिदर के जो काम कर रहे हैं, जो हमारी कमेटी है सदर है और यहाँ के जितने भी MIM के काम करने वाले हैं वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और ये टाइम के ऊपर मेरे को उम्मीद है कि जो पब्लिक के अंदर मैं ख़ासतौर पर आज सुबह से मुसलसिल 4 दिन से बिदर में हूँ, मैं ख़ासतौर पर हर कम्यूनिटी के पास जा रहा हूँ तो मजलिस के हक़ के अंदर वोट देने की ये टाइम के ऊपर ज़्यादा लोग हैं ना भाई ख्याल जाहिर कर रहे हैं। और मेरे हमारी पार्टी के ज़्यादा नुमाइंदे जीतेंगे। और मेरी अपील है सारे लोग से कि एक टाइम ये अच्छा वक्त है कि BJP के साथ अगर कोई फाइट कर सकती है, RSS और BJP के साथ तो कोई फ़ाइट कर सकती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है हिंदुस्तान के अंदर जो BJP के साथ फ़ाइट कर सकती है। मेरे ख़ास तौर पे तमाम बिदर शरीफ के सारी कम्युनिटीज़ के लोग से मेरी अपील है कि ये टाइम के ऊपर हम एक अच्छा बेहतरीन मंशूर लेके आ रहे हैं जिसके अंदर अच्छी रोडें रहेंगी और स्ट्रीट लाइट का अच्छे से इंतज़ाम हो, एजुकेशन के अंदर जितना बल्दिया के तक आता है और हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए क्या क्या हम अपना एक मंसूर जारी करेंगे उसकी भी तैयारी चल रही है। और मैं ज़्यादा अपील कर रहा हूँ कि ये टाइम के ऊपर एक अच्छा मौका है, इस टाइम के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर हम बिदर शरीफ के अंदर बिदर म्यूनसिपाल्टी के अंदर अगर हम अच्छी सीट जिता के लाते हैं तो आने वाले इलेक्शन के अंदर, अब जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं वो जिला परिषद के हैं, तो हम उसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ज़िला परिषद के इलेक्शन सारे ये अगर यहाँ रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो सारे बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मैसेज जाएगा और हम ज़्यादा हम मतलब ज़िला परिषद के अंदर हम अपने नुमाइंदे जिता सकते हैं। उसके बाद फिर आपको 2024 में असम्बली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए 2025 के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए हम बेहतरीन काम कर सकते हैं। इसी के काम के जो गुज़श्ता नेशनल क्या था वो प्रोग्राम नहीं कानून कॉन्स्टिट्यूशन
तो उसका एक जलसा था जिसके अंदर सदर मोहतरम ने खिताब किया था, तो हम एक उसी लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। सारी दबी कुचली जो यहाँ पर कौमें हैं हम उनको लेकर एक बेहतरीन फ्रंट बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में फ्रंट नहीं, हमारी पार्टी में MIM में बहुत सारे ऐसे SC लीडर्स है, दलित लीडर्स है, क्रिश्चियंस लीडर्स है, हर लोग बात करें कि MIM ज्वाइन करने के लिए। और दो दिन के बाद से मैं समझता हूँ ये सिलसिला जारी होगा। और मेरे को फिर एक बार सारे बिदर शरीफ के वोटर्स से मेरी एक अपील है कि एक मौका आप बिदर शरीफ के अंदर MIM को ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिता कर देना चाहिए। शुक्रिया, खुदा बिदर से कितने हल्कों से टिकट देने वाला है? हम तो कोशिश ये टाइम पे कर रहे हैं कि जनाबे हम वर्कआउट चल रहा है हमारा कि जहाँ पर मुस्लिम परसेंटेज अगर हमारा 500 भी है, तो अगर SC कैंडिडेट SC के वहाँ पर 1000 हैं, तो उसी तरीके का भी कोऑर्डिनेशन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने की कोशिश करेंगे।